तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी। लाजमी बात है, बाल्टी गोश्त है तो हमें गोश्त होगा, यह कि 2 किलो ये हमें गोश्त चाहिए होगा, इस रात में काटना इतने पीसेस करने। और फिर हमें यह है कि 3 टमाटर, ये आप देख सकते हैं, 8-9 लहसुन और अदरक और 7-8 हरी मिर्च आपको चाहिए होगी। तो आपने इनको ये करना है कि क्रश ग्राइंड करना है, ये जिस तरह अब मैंने रखा हुआ है इसको मैं अब ग्राइंड करूंगा। इसके अलावा आपको प्याज चाहिए होगा, 1.5 प्याज आपको, ऑनियन आपको चाहिए होगा। इससे पहले मैं करता हूँ और इसमें मैं 1 कप और फिर मैं इसमें प्याज डाल देता हूँ। तो ये है कि फिर आप 10 मिनट इसको आप छोड़ देंगे ताकि आप चम्मच लाते रहें, लेकिन जब ये लाल हो जाए या सुर्ख गोल्डन कलर का प्याज हो जाए तो इसके बाद आप फिर गोश्त इसमें डालेंगे। आप देख रहे हैं ये गोश्त का कलर चेंज है। तो अब इसमें मैं मिसाले सारे और जो मैंने क्रश किए थे टमाटर, साज मिर्चें, प्याज वगैरह, तो वो अब मैं डालूंगा। मैंने इसमें ये आप देख सकते हैं 4-4 चम्मच, जिस तरह मैंने बताया था, 4 चम्मच हल्दी के, 4 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 4 चम्मच ये है इसमें मैंने डाला है बगैर पिसा हुआ सूखा धनिया, 4 चम्मच सुर्ख मिर्चें पिसी हुई और 4 चम्मच बगैर पिसी हुई सुर्ख मिर्चें, और जीरा था बगैर पिसा हुआ 4 चम्मच, और 4 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ जीरा डाला है। तो आप देख सकते हैं। और इसमें फिर मैंने ये किया कि ये डाला है मेथी, मैंने सूखी हुई जो है वो उसके मैंने चुटकी ली है, तो वो मैंने ये डाली हुई है। 15 मिनट मैंने हल्की आंच पे रखा था, तो गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है और मसाला भी आप देख रहे हैं बड़ी खुशबू भी आ रही है इसमें से, और पानी भी जो इसका अपना था गोश्त का वो भी खुश्क हो गया है। और मैं ये करने लगा हूँ कि मैंने जो टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का क्रश किया था वो अब मैं डालने लगा हूँ इसमें। आप देख रहे हैं तो अब यह है कि मैं इसको 10-15 मिनट दोबारा इसको पकाऊंगा हल्की आंच पे, और फिर ये कहूंगा कि मैं 2-3 गिलास इसमें पानी डालूंगा। अच्छा, ये अब मैंने इसको ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स मैंने हल्की आंच पे इसको रखा था। आप खुद भी देख सकते हैं कि हाँ भाई, जब पानी खुश्क हो जाए और गोश्त चेक कर लेंगे कि सही गला है कि नहीं, तो आप अपने मुताबिक टाइम देख लीजिएगा, लेकिन मेरा जो वो है वो 40-45 मिनट्स में तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ा ज़बरदस्त इसकी शक्ल निकली है और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है, ऐसा लगता है जैसे देख का पका हुआ गोश्त है। तो आई होप